हाँ, ये 11th क्लास के बच्चों, ये वे बच्चे जो फर्स्ट टाइम फिजिक्स का लेक्चर सुन रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ फिजिक्स लेक्चर ऑफ 11th क्लास। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, इससे पहले एक वीडियो मैंने भेजी होगी आपको, उसमें झूला झुलाने वाला एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, और उसका निचोड़ यही था कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी ये बनाएं कि ये चीज़ हमें सीखनी है। तो इस फ्रिक्वेंस वाली जो भी वेव नेचर में है, उससे आपको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, कंफर्म है। आज से लगभग 27-28 साल पहले आसपास, लगभग 25 और 30 साल के बीच में, मेरा सेंटर मेरे घर से कुछ दूर था, बीच में रेलवे क्रॉसिंग आती थी। और जब मैं इस तरह जाता था, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का बैच, कोई 5 बजे का बैच, इस टाइप का था, तो मैं जस्ट निकलता था घर से, तो मैं डरता था यार रेलवे क्रॉसिंग में बंद मिली तो नीचे से जाने का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था, बस खड़े होकर वेट ही करना पड़ता था। और वो आधे घंटे, पौन घंटे, 15-20 मिनट ऐसे बंद हो जाता था। तो जैसे मैं जाता था तो एकदम से रेलवे क्रॉसिंग मेरी सांस बंद हो जाती थी, टेंग 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 टेंग, और मिल जाता था। फिर रेल क्रॉसिंग खुली, मैं पहुंचा, बच्चे चले गए पहले वेट देख के। क्या भगवान दया से ये बात थी कि बच्चों पढ़ना मेरे से ही था। मैं शाम को आया, मैं सर क्या हो, मैंने कहा यार ऐसी रेलवे क्रॉसिंग वाली दिक्कत थी, कोई बात नहीं कल आ जाओ, रो रो थोड़ी ऐसा होगा। अगले दिन भी मैं घर से चला, यार रेलवे क्रॉसिंग बंद ना मिले यार, ये सोचता हुआ निकल रहा था मैं, और रेलवे बंद ही मिली। मैं आपका लेक्चर शुरू हो चुका है, कभी आप सोच रहे, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, आपका लेक्चर शुरू हो चुका है, इसलिए ढंग से सुने। और दूसरे दिन भी बच्चे मेरी वेट देख के चले गए। फिर शाम को आए, सर वो हंसने लगे, सर आज भी। मैंने उन्हें कहा प्यारे बच्चों, कल लेक्चर लगेगा। अब पक्का सर, मैंने कहा मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, कल मैं सही समय पर नहीं पहुंचा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है सर, अगले दिन उठा। अब मैंने ये नहीं सोचा मैंने कि हे भगवान रेड क्रॉस बंद ना मिले। मैंने ट्रैक सूट पहना, जूते पहने, ठीक, और ये सोच के निकला अपनी बाइक पे कि अगर रेलवे क्रॉसिंग बंद मिली, मैं बाइक वहीं खड़ी कर दूंगा लॉक लगा के, और वहां से पैदल भागूंगा। परंतु आज मुझे सेंटर पर सही समय पर पहुंचना है, ये सोचा था मैंने। ये नहीं सोचा भाई ये क्या नाम क्रॉसिंग बंद मिले तो क्या होगा, ये सोचा ही नहीं मैंने, अपने जहन में आने नहीं दिया उसको। ये सोच के मैं ट्रैक छोड़ने चला बिल्कुल आराम से, और रेल क्रॉसिंग बंद हो रही थी, टिंग टिंग टिंग, मैं हॉर्न दिया और रुक गया, मैंने चेक लिया आराम से। मैं पता था नहीं भी रुके मैं तभी पहुंचूंगा, मैं पहले भरन देता था पर सुनता नहीं था, टिंग 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 बंद कर देता था। ये फिजिक्स है, 100% फिजिक्स है। मेरी वेव पहले ये होती थी शुरू के 2 दिन तक, फाटक बंद ना मिले, फाटक बंद ना मिले, फाटक बंद ना मिले, तो नेचर की वेव जाती है फाटक बंद फाटक बंद फाटक बंद, और वो एडजस्टमेंट हो जाता था। चेस के लिए मेरी स्पीड अपने आप ही कम ज्यादा होने लगती है, ताकि वो सब कुछ वैसे सेट हो जाए जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे। अब बाद में मजबूत ख्याल तीसरे दिन कि मुझे पहुंचना है, तो नेचर की वही फ्रिक्वेंसी, हाँ तू पहुंचेगा तू पहुंचेगा तू पहुंचेगा, और मैं पहुंच गया। जैसा सोचोगे वैसे हालात बन जाते हैं, वैसे ही हालात बन जाते हैं। जब आप कुछ सोच दो कि ये पीरियड बंक करना है, तो तमाम तरह के दिमाग में एक आइडिया आना शुरू हो जाते हैं, या बंक तो करेंगे, क्या बहाना मारेंगे। ये नहीं सोच रहे बंक नहीं करते, बंक तो करना है, अब बहाने क्या मारेंगे। या फिर आज तो ये मनपसंद चीज बनवा के रहेंगे घर में, अब पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लगा लेते हो, और मम्मी पापा से कह के वो चीज बन जाती है, क्योंकि पक्का विश्वास हो जाता है। यही फिजिक्स है, ठीक है,
वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें ही स्टॉप करके अगली वीडियो जस्ट सुना रहा हूँ तुरंत। हाँ जी, तो क्या है कि आप इस तरह से शुरू करें, एक नोट्स की कॉपी बनाना, स्कूल में वो यूज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं बनाया करते, नोट्स की कॉपी और से रख देना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेंशन नहीं लेनी है, एंजॉय करना फिजिक्स के साथ, एंजॉय। नोट्स की कॉपी बनेगी एक, और एक बनेगी प्रैक्टिस नोटबुक, समझ लो सामने, हाँ, उसमें आप जैसे 11th की फिजिक्स है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वगैरह, ये अभी नहीं करना है, ये नोट्स मैं खुद लिखाऊंगा आपको, खुद ही मैं टोटल नोट्स आपके हैंड राइटिंग में बनेंगे और बड़े मजे के साथ बनेंगे, आप खुश होकर वो बनाओगे, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की, ठीक है। अभी स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, आपको स्टार्टिंग करनी है काइनेमेटिक्स जो 9th क्लास में थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो 11th क्लास में है, मैं पिक भेज दूंगा, में आप करेंगे, सुन लें इसका बेसिक क्या है, ठीक है। कोई गाड़ी अगर कांस्टेंट मोशन से जा रही हो, उसकी स्पीड ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, कांस्टेंट मोशन, ये कंफर्म हो गया हो कि वो कांस्टेंट मोशन से ही चल रही है, एक इकलौता फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। आपको ये तो हमें भी आता था, आने से बात नहीं बनती, ये फॉर्मूला लगता कब है ये बात है, जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो तब ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। दूसरा ये था कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म, दूसरा अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं या झूम बढ़ने शुरू हो पर यूनिफॉर्म नहीं, एक सेकंड में जितनी बढ़ेगी स्पीड अगले सेकंड में भी उतनी ही बढ़े और अगले सेकंड में भी उतनी ही बढ़े, इसमें एक्सेलरेशन था पर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या तो यूनिफॉर्म मोशन ही था या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे इनिशियल स्पीड इसकी u रही हो, t टाइम बाद इसकी स्पीड v होगी और इस दौरान डिस्टेंस s कवर कर ली और एक्सेलरेशन a, तो इस ऐसी सिचुएशन अगर है तो तीन इक्वेशंस आपने 9th क्लास में पढ़ी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, बुक है तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी पिक भी मैं भेज रहा हूँ, और इसके खतरनाक क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होंगे, पहले तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे, वो होने शुरू हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे से हो रहे हैं, ठीक है, बस ये है कि स्टार्टिंग होगी आपसे, ये खुश होने की जरूरत है, क्योंकि एंड नहीं है इन क्वेश्चन से, हर साल नए नए क्वेश्चन बन जाते हैं, ये कभी भी एंड नहीं होगा, पर यह है कि चलने की बुलंद इरादे होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं केवल, ठीक है। इसको एक दूसरे नजरिए से देखें, पहली इक्वेशन डिस्टेंस से फ्री है, कहीं कोई डिस्टेंस नहीं आ रही, जब ऐसे हालात दे रखे हो कि डिस्टेंस से कोई नामो निशान नहीं आ रहा तो ऐसी इक्वेशन लगा देनी चाहिए, इट इज फ्री फ्रॉम फाइनल स्पीड, इट इज फ्री फ्रॉम टाइम, सोचने नजरिया होता है
कि क्या सिचुएशन दे रखी है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैं पिक भेज रहा हूँ उसकी, या आपके पास कोई बुक हो उसकी, शुरू करते हैं, ठीक है। जो पिक मैं भेज रहा हूँ उसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, सर ये वाला क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, और आप कोई दूसरी बुक का पूछते हो तो उसकी क्वेश्चन की पिक डाल देना, ठीक है। इस तरह से सब भूल जाओ, फिजिक्स में कोई नोट नहीं फिलहाल, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्माइल, क्वेश्चंस, क्वेश्चन पढ़ा, ड्रॉ बना दिया, ये कारण है छोटी सी, जो इनिशियल स्पीड ये लिख दिया, मेंशन कर दिया वहीं डायग्राम में, सब कुछ डायग्राम मेंशन कर दिया। अभी जैसे यूँ देखोगे बस तो हो गया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें गुणा भाग कर ही हो गया। इसमें पूरी कठोरता के साथ कि ये हमें बहुत आगे पहुँचाएगी सोच के आगे बढ़ जाए, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये यू भी ये वैल्यू रख देंगे गुणा भाग करेंगे हो जाएगा, नहीं होता वो, एट ए टाइम में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर होते हो यार आता तो था हमें, प्रैक्टिस क्यों नहीं करी, प्रैक्टिस कर डालो, हर क्वेश्चन करने के बाद आंसर हैं तो हाथ चेक कर लो, ठीक है। ये आपका काम शुरू हो जाता है अब से, स्टार्ट पूरी बुलंद इरादों के साथ, ओके। किसी टाइप की दिक्कत हो वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, या अभी तो ग्रुप नहीं बनाया, अभी ग्रुप में तुम डाले नहीं है, पहले इंडिविजुअल भेज रहा हूँ तुम्हें एक दो दिन तक, फिर एक छोटे ग्रुप में डालूंगा, फिर बड़े ग्रुप में डालूंगा, वो मेरा काम है, बस आपको मैं रिटर्न में भी नोट कर रहा हूँ कि तुम दो तीन जितने बच्चे हो कब तक ले जाना है, कैसे कैसे ट्रांसफर करना है, काम मेरा है, बस आपके पास जो पहुँच रहा है और जो करने के लिए कहा जा रहा है उसे हर हाल में करो, भगवान की पूजा के बराबर उसको समझो और करो, ठीक है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट लगते हैं उसमें, कोई बात नहीं, ओके। स्टार्ट, खतरनाक स्टार्ट।